नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उड़ीसा के जिला खुर्दा के ब्लॉक टैंगी के गाँव काशीपुर में। यहाँ पर जानेंगे किस तरीके से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की किसान भाई योजनाओं से लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस गांव की जो मुख्य फसल है वो है धान। आइए आपको लेकर चलते हैं चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उड़ीसा के जिला खुर्दा के गांव काशीपुर में, जिसका ब्लॉक पड़ता है टैंगी। आज हम बात करेंगे मोटे अनाज के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज क्या है? मोटे अनाज जो है हमारा है, बाजरा है, तो रागी है, सरगम है, ये सब मोटे अनाज के अंदर में है। वो तो बहुत पहले से हमारा पूर्वज जो है जो सब करते थे, लेकिन उसके बाद वो छोड़ दिए थे। लेकिन अभी उसका जो बेनिफिट है, वो जो पहले से जो करते थे उसको मिला। जैसे ट्राइबल एरिया में अभी भी चल रहा है बहुत सारे एरिया में, तो हमारा ब्लॉक में भी इस बार मोटे अनाज का स्कीम भी आया है, जो उड़ीसा मिलेट मिशन अंडर में आया है। उसके अंदर हमारा रागी एंड पर्ल मिलेट जो बाजरा है और सरगम वो आया है। वो मोटे अनाज का बहुत सारे बेनिफिट है। जैसे आप रागी देखेंगे तो जो लोग दूध पीते नहीं है, मिल्क जिसके सूट नहीं करता है, सपोज मोटा अनाज रागी खाएंगे, उसमें जो कैल्शियम है वो 3 times मोर देन मिल्क। सो कैल्शियम का भरपाई शरीर में करता है, क्योंकि विथ पासिंग ऑफ एज जितना बढ़ेगा तो कैल्शियम डिफिशेंसी भी शरीर में कम हो जाएगा। तो वो मोटा अनाज जैसे रागी खाएंगे तो आपका कैल्शियम भी भरपाई हो पाएगा। उसके साथ साथ आपका जो बाजरा है और जो सरगम है वो भी सब बहुत रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम, मैंगनीज, आयरन, सब बहुत सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसका। अगर हम इस क्षेत्र की बात करते हैं, इस क्षेत्र में कौन कौन से मोटे अनाज किए जा सकते हैं? यहाँ पे तो हमारा रागी, सरगम और बाजरा, ये तीनों है मेजर मोटे अनाज का। देखिए, आपको बताया यहाँ पर किस तरीके से हम यहाँ पर मोटे अनाज की खेती कर सकते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? हम तो पहले बाप दादा करते थे, अभी कुछ दिन माने कुछ साल के बाद वो बंद हो गया, क्योंकि यहाँ का पानी का समस्या है, इसीलिए उसको बंद किया। दूसरी बात है, यहाँ जो इसी टाइम में जब हम बाजरा या मड़वा, जिसको बिहारी में बोलते हैं मड़वा, वो मड़वा और भुट्टा, इसको कर सकते हैं। लेकिन यह दिक्कत है कि हाथी और जो हम लोग का वन्य जीव उसको नष्ट कर देते हैं। किसान भाई कह रहे हैं कि हम लोग करना चाहते हैं, पर वन जीव की अगर हम बात करते हैं, जैसे हाथी है या और वन जीव हैं, वो उनकी खेती को क्षतिग्रस्त पहुंचाते हैं, इसलिए वो नहीं करते। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। अगर हमारे किसान भाई अगर चाहते हैं कि अपनी फसल को सुरक्षित रखना, कोई ऐसा है कि तार फेंसिंग की कृषि विभाग में कोई योजना हो? हाँ, हमारा जो इलेक्ट्रिकल फेंसिंग है तो डिपार्टमेंट से मिलता है, सब्सिडी में भी मिलता है। चासी चाहेंगे तो, कोई फार्मर चाहेंगे तो वो आपका जो डिपार्टमेंट है हमारा कांटेक्ट करने से वो मिल जाएगा सब्सिडी में। तो उसके लिए कैसे उनको बताना होगा कि मुझे चाहिए? वो हमारा ऑफिस में आएंगे तो वो कुछ एप्लीकेशन फॉर्म में तो डालेंगे, तो उसको हम बता देंगे कैसे मिलेगा सब्सिडी। आपके ऑफिस में आना पड़ेगा? जी जी। देखिए, अगर आपको भी ये समस्या है और आप भी चाहते हैं कि आप
तार फेंसिंग कराना चाहते हैं तो आप अपने निकटम कृषि विभाग में जा सकते हैं। अगर हम इस ब्लॉक की बात करते हैं ब्लॉक टैंगी में, तो जो अगर आप इधर के किसान हैं तो आप ब्लॉक टैंगी में जाकर भी अपना आवेदन दे सकते हैं। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? नहीं, यहाँ तो ज़्यादा बंदर है, कुछ भी नहीं होता, इसलिए मोटे अनाज की खेती नहीं करते। तो जैसे कि हमारे अधिकारी ने बताया कि आप फेंसिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं कृषि विभाग में, तो आप जाएंगे, आप आवेदन करेंगे कृषि विभाग में? करेंगे। देखिए हमारी महिला किसान कह रही हैं कि वो भी अब जाएंगी कृषि विभाग में और वो भी अब इसका आवेदन करेंगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, ये बताइए कि मोटे अनाज करते हैं आप? वो करते हैं। जो सेठ जी हमारे बोला जे हमारे जो इलेक्ट्री जो हमारा सोलर जो देता है, वो तो गांव का काम बहुत आदमी है और बंदर है और हाथी हैं और कुछ छोटा छोटा आदमी वो घूमने आता है, कोई लग जाएगा तो फिर परेशान हो जाता है, एक आदमी बैठना पड़ेगा। दूसरा बात है वो तो करेगा तो फिर जगना पड़ेगा, एक आदमी बैठना पड़ेगा, हर रोज़ बैठना पड़ेगा, इसीलिए हम नहीं करते हैं उधर। इसीलिए हम बोलता है वो हमारा जो तार फेंसिंग आप इसलिए नहीं लगाते कि किसी को उससे नुकसान ना पहुंचे? वो तो बात सही है, हमारा जो हमारा कृषि अधिकारी हम प्रताप साहू जो बार बार बोला है, तो दो तीन बार बोला है इसे करो, इसे काम करो, इसे काम करेगा तो अच्छा होगा। हमारा जो धान में जो खेती होता है चलता है, अभी घूम के चला गया हाथी, अभी दो तीन बार घूम के चला गया, एक महीना एक एकड़ में पाँच सात आदमी लगता है, एक आदमी को 500 रुपया 600 रुपया मजूर लेता है। वो तो दो तीन बार करे चला गया, हाथी आएगा ऊपर चले के चला जाए तो वो बहुत नुकसान होता है, इसीलिए सबका मन। आपका जो क्षेत्र है ये जंगल का क्षेत्र है, बात सही है, और सब मन आपको हमारे अधिकारी ने बताया ना कि आप फेंसिंग कर लें, फेंसिंग करेंगे तो आपको फायदा होगा। वो तो फेंसिंग करने का तो गवर्नमेंट बोलता है, वो हाथी में लग जाएगा तो कोई मर फिर जाएगा, तो कोई छिटकी जाएगा, तो कोई भाग जाएगा, तो फिर बोलेगा तो ऐसे करेगा तो तुम्हें अरेस्ट हो जाएगा, है क्या करने का? किसान भाई बोलता है, ऐसे बोलता है और फिर दूसरा भी वाला बोलता है। किसान भाई कह रहे हैं कि अगर वो फेंसिंग करते हैं और अगर करंट लगने से अगर कोई हमारा जानवर अगर मर जाएगा तो उसके लिए क्या होगा? हमारे बीच में कृषि अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। मैं यहाँ पे एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जो हमारा सोलार फेंसिंग है कि वह इलेक्ट्रिकल फेंसिंग दिया जा रहा है आपको, उसमें किसी का जान नहीं जाएगा, थोड़ा सा झटका लगेगा और वही झटका लगने से क्या होगा कि वो उसका मन में एक भय रहेगा, एक डर रहेगा, क्योंकि वहाँ तक फिर जाऊँगा और नहीं जाऊँगा, तो इसलिए और दूसरा एक बार और एक नेक्स्ट टाइम वो नहीं आएगा। उसमें लाइट वोल्ट का करंट होता है, या वेरी वेरी लो वोल्टेज का करंट होता है, तो इसलिए किसी का जान नहीं रहेगा, थोड़ा सा झटका लगेगा। और ये बताइए कि अगर जैसे हमारे किसान भाई हैं अगर सब्सिडी के लिए अप्लाई करना है तो कैसे कर सकते हैं इसमें सब्सिडी के लिए अप्लाई? सब्सिडी के लिए वो तो पहले हमारा ऑफिस को विजिट करना पड़ेगा, उसको उसके बाद इसका क्या जरूरत है क्या एप्लीकेशन देंगे हमको, उसके बाद हमारा जो टारगेट, सपोज हमारा हर साल का टारगेट आता है, सपोज टारगेट हमारा पास होगा तो हम उनको देंगे, क्योंकि कैटेगरी प्रतिशत की सब्सिडी मिलती है, लगभग आपका तो 50% सब्सिडी आ जाता है। देखिए लगभग आपको 50% तक की सब्सिडी दी जाती है, जैसे कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया बहुत लो वोल्टेज का करंट होता है, तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, आप इसको लगाइए, ये आपके लिए है और लाभकारी है। जी आप बताइए, मोटे अनाज करते हैं आप? नहीं, क्या नहीं हो, जानकारी है कि मोटे अनाज भी होते हैं? जानकारी है, लेकिन वो जो खेती हो रहा है वन्य जंतु के लिए, इसलिए क्या नहीं हो, बंदर होता है तो इसके लिए हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि आप फेंसिंग करें, तो आप करेंगे? हाँ, वो सोलर झटका अप्लाई करेंगे, वो होने के बाद देखेंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अब वो भी जो फेंसिंग है उसको लगाएंगे और इससे लाभ की प्राप्ति करेंगे। जी आप बताइए, ये बताइए मोटे अनाज कर रहे हैं आप? नहीं। क्यों नहीं करते आप मोटे अनाज? जानकारी नहीं है? नहीं। अगर हमारे विशेषज्ञ बताएंगे कैसे करने हैं मोटे अनाज तो करेंगे? हाँ। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर हमारे विशेषज्ञ बताएंगे मोटे अनाज की खेती किस प्रकार से करनी है तो हम मोटे अनाज अवश्य करेंगे। जी आप बताएं, किसानों को क्या बताएंगे कैसे कर सकते हैं ये मोटे अनाज? देखिए मोटे अनाज तो आपका जो पूर्वज जो है कि आप भी बहुत पहले से करते थे, लेकिन बाद में इससे बंद हो गया, लेकिन अभी अभी हमारा सरकार जो है अभी उड़ीसा मिलेट मिशन के अंडर में अभी मोटे अनाज अभी हो रहा है, इस साल भी हमारा आया है लगभग 200 हेक्टर के आसपास आया है अभी,
तो वो एक प्याच में होता है, क्योंकि 10 हेक्टर में हमारा एक प्याच होता है। कभी भी आप सपोज प्याच नहीं मिला इतना बड़ा, तो कंटिन्यूस और कंटिन्यूस प्याच में भी हम करते हैं। इसीलिए आपको हेक्टर पीछा अराउंड 8 to 10 केजी सीड मिलेगा, उसको लाइन में ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए पड़ेगा। जैसे आप धान का पौधे आप लगाते हैं, इसे आप मोटे अनाज का भी आप लगाएंगे। इसी स्कीम में भी आपको मोटे अनाज के लिए हम सीड देते हैं, उसके साथ साथ भी इंसेंटिव भी है इसके लिए। वो गवर्नमेंट का स्कीम है, टोटली फ्री है सीड। सीड के साथ साथ भी अदर जो इनपुट है मिलेगा, भी आपको भी मिलेगा फ्री में। जानकारी भी देंगे? जी जी, वो टेक्निकल भी जानकारी हमारा भी जो टीम है, और विलेज लेवल में हमारा जो विलेज एग्रीकल्चर वर्कर है, उनके साथ भी आप संपर्क कर सकते हैं। वो भी आपको बता देंगे कैसे आप वो ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, आप जो रागी हो, सरगम हो और बाजरा का भी। देखिए, आपको बताया किस तरीके से आप मोटे अनाज की खेती कर सकते हैं। जैसे कि हमारे अधिकारी ने बताया कि आपको बीज चाहिए तो आप कृषि विभाग में आकर बीज ले सकते हैं ब्लॉक टैंगी से। साथ ही साथ आप इसको करें, ये आपके लिए लाभकारी है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काश्वी, इतने कम मार्क्स? काशु बेटा, पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचान PGS ऑर्गेनिक का ये लो। उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा से। आपको बता दें, आज की जो हमारी चौपाल है उड़ीसा के जिला खुर्दा से है। पहले हमने बात करी थी मोटे अनाज के बारे में, अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है? हमारा टांगी ब्लॉक में भी प्राय ऑलमोस्ट 80% 90% चाषी अभी भी कवर हो चुके हैं। शायद सभी कवर नहीं हुए, धीरे धीरे वो कवर हो जाएंगे। यहाँ पे भी बहुत सारे चाषी मौजूद है जिन लोगों को अभी वो 2000 रुपया मिल चुका है। लगता है कि ये जो योजना है ये सभी किसानों तक पहुंच रही है? जी जी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सभी फार्मर इसके अंदर में आ सकते हैं, और इसका जो फायदा है जो 2000 रुपया सरकार से मिलता है, उसको कैसे उनका जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है उसको उसी में वो उपयोग करके उनका उत्पादन बढ़ा सकते हैं। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात कर रहे हैं, 2000 रुपये की राशि आ रही है? नहीं। इसके लिए आपने किसी से संपर्क किया, मेरे 2000 की राशि क्यों नहीं आ रही? नहीं। देखिए, हमारी महिला किसान कह रही हैं कि 2000 रुपये की राशि नहीं आ रही, इसके लिए उन्होंने संपर्क भी किसी से नहीं किया। ये बताइए सर, अब उनकी 2000 रुपये की राशि कैसे आएगी? आप हमारा ऑफिस को आप विजिट करिए,
और पीएम किसान के लिए आपको रजिस्टर करने के लिए पड़ेगा हमारे पास, उसके बाद वो आ जाएगा। देखिए हमारे कृषि अधिकारी ने बताया कि पहले आप कृषि विभाग में आइए, नहीं आ रही होगी तो आपकी राशि भी आ जाएगी। जी आप बताएं, 2,000 रुपये की राशि आ रही है? जी सर। लगता है कि ये 2,000 रुपये की जो राशि है किसानों के लिए लाभकारी है? जरूर लाभकारी है। क्या करते हैं जब ये 2,000 की राशि आती है? वो जब आता है तो हम लोग को पहले जो आता है तो उसको हम खेती में लगाते हैं, दूसरे बार जो आता है जो खेती का काटने का टाइम में अमल के टाइम में उसको लगा। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जो 2,000 रुपये की राशि है, जो पहली राशि आती है उसको खाद बीज के लिए लेते हैं और जो दूसरी राशि आती है उसको कटाई के लिए उपयोग करते हैं। जी आप बताएं, 2,000 रुपये की राशि आ रही है? आ रही है। ये बताइए जो 2,000 रुपये की राशि है क्या करते हैं उससे? वो पहले जो धान जो मैंने रुआ का टाइम है ना, इसीलिए वो DAP पकने के लिए आ रहे हैं, वो तो सारा खाद देने के लिए आ रहे हैं। वो पहले बीच में जो धान जो फूल उड़ाते हैं ना, इसीलिए मैं जो सार डालने के लिए वो भी आती है, वो तीसरी आती है जो धान काटने के लिए, तो तीसरी बार आती है। लगता है कि जो 2,000 रुपये की राशि है किसान उससे लाभान्वित हो रहे हैं? यस आ रही है, फायदा मिल रहा है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं जो 2,000 रुपये की राशि आ रही है वो किसान उससे लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, 2,000 रुपये की राशि आ रही है? हाँ। क्या करते हैं जब राशि आती है तो? एक साल को 6,000 आता है, 2,000 में वो खेती में लगता है। और जब राशि आती है तो क्या करते हैं? पहला जो धान का पौधा टाइम में आता है, दूसरा आता है सार और फर्टिलाइजर मेडिसिन एक्स्ट्रा पकड़ने के लिए, और तीसरा जो आता है धान अमल का टाइम में आता है, कटाई के टाइम पे आता है। माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे? प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ, इसलिए हमारा और कुछ राशि बाकी रह गया वो किसान PM किसान के लिए उसको शामिल करने के लिए। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं जो 3 राशि आती है, पहली राशि आती है बुआई के समय, दूसरी जो राशि आती है वो खाद के लिए उपयोग करते हैं, और तीसरी जो राशि आती है वो कटाई के उपरांत उसको लगाते हैं। वो कह रहे हैं जो 3 राशि जो आ रही है किसानों के लिए लाभकारी है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म? हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। हर जोखिम से निकलकर फसल आए सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें अब हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, 2,000 रुपये की राशि आ रही है? नहीं आ रही। नहीं
लगता है कि जो 2,000 रुपए की राशि है किसानों के लिए लाभकारी है। लाभकारी है। इस कब से नहीं आ रही आपकी राशि? नहीं आया। एक बार भी नहीं आई? नहीं आई। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि एक बार भी उनकी 2,000 रुपए की राशि नहीं आई। जी आप बताएं, किसान भाई कह रहे हैं एक बार भी राशि नहीं आई, तो उसके लिए उनको क्या करना होगा? शायद वो रजिस्टर नहीं हुए, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसान भाइयों को कि आप आइए हमारा ब्लॉक में, ब्लॉक के आके हमारा जो गोशुभम पटेल पोस्ट ब्लॉक कालिया में हम रजिस्टर करेंगे, उसके बाद पीएम किसान में आप भी रजिस्टर हो जाएंगे। उसके लिए आपका जो लैंड रिकॉर्ड है और जो आपका फोटो परिचय है उसके साथ लेके आइए, आधार आइए, वो हो जाएगा, जरूर आपको मिल जाएगा। देखिए हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आप हमारे पास कृषि विभाग में आए, जब आएंगे तो गो सुगम पोर्टल में आपका आवेदन करेंगे तो आपकी राशि जो है आ जाएगी। जी आप बताएं, 2,000 रुपए की राशि आ रही है आपको? नहीं। तो इसके लिए आपने किससे संपर्क किया कि राशि क्यों नहीं आ रही? नहीं संपर्क किया। नहीं, कृषि विभाग में संपर्क करोगे अब? करेगी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि कृषि विभाग में इसके लिए वो संपर्क करेंगे 2,000 रुपए की राशि के लिए। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, 2,000 रुपए की राशि आ रही है? नहीं आ रही। कब से नहीं आ रही आपकी 2,000 की राशि? टोटल नहीं आ रहा है। एक बार भी नहीं आई? नहीं। इसके लिए आपने कृषि विभाग में संपर्क किया? संपर्क नहीं किया। हमारे कृषि अधिकारी कह रहे हैं आप कृषि विभाग में संपर्क करें, आपकी 2,000 रुपए की राशि जो है वो आएगी। अब आप संपर्क करेंगे? करेंगे। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो अब कृषि विभाग में जाकर संपर्क करेंगे। जी आप बताएं, 2,000 रुपए की राशि आ रही है आपकी? नहीं। तो एक बार भी राशि नहीं आई? नहीं। कृषि विभाग में संपर्क किया था आपने? नहीं। अब आप संपर्क करेंगे? करेंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो अब कृषि विभाग में संपर्क करेंगे। इसके लिए आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें। उड़ीसा के जिला खुर्दा की चौपाल चर्चा से बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।